हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपको हम बताने वाले हैं कि वॉशिंग मशीन लोड क्यों नहीं ले रही है। तो आइए आपको सबसे पहले हम चलाकर दिखाते हैं कि वॉशिंग मशीन का लोड कैसे चेक किया जाता है। देखिए, वॉशिंग मशीन को ऑन करना है कुछ इस तरीके से। अभी देखिए, पल्सलेटर हमारा चलने लगा। तो देखिए, इसको कुछ इस तरीके से इसका लोड चेक किया जाता है। देखिए इसको पकड़ लेना है। देखिए, घूम नहीं पा रहा है। फिर देखिए, इधर पकड़ लेंगे। ये देखिए, पकड़ने पे पल्सलेटर रुक जा रहा है। इसका मतलब वॉशिंग मशीन लोड नहीं ले रही है। तो वॉशिंग मशीन का लोड चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, वॉशिंग मशीन देखिए चल रही है लेकिन लोड नहीं ले रही है। तो वॉशिंग मशीन अगर लोड नहीं लेती है तो उसका दो कारण होता है, या तो फिर कैपेसिटर इसका वीक हो गया है, या फिर इसकी बेल्ट कट गई है काफ़ी ज़्यादा। तो आइए सबसे पहले हम पीछे से ढक्कन को खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम चेक कर लेते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कैपेसिटर से है या तो फिर बेल्ट से है। सारी पीछों को निकालने के बाद ढक्कन को हम अच्छे से निकाल लेंगे। ढक्कन पीछे का प्लास्टिक का बहुत ही नाजुक होता है, इसीलिए इसको कुछ आराम से निकालेंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से बीच से पकड़ कर हल्का सा, देखिए निकल गया आराम से एकदम। तो सबसे पहले हम बेल्ट को चेक करते हैं। ये देखिए, वॉश मोटर है। देखिए बेल्ट देखिए कितनी ज़्यादा ढीली हो गई है, इसीलिए लोड नहीं ले रहा है। ये देखिए कितनी ज़्यादा दब जा रही है, झुकी देखिए कितनी ढीली है, बेल्ट घिस गई है एकदम। देखिए कितना आसानी से उतर जा रही है। तो आइए आपको बाहर निकाल के कुछ दिखला देते हैं, कुछ क्लियर तरीके से। ये देखिए, वल्फू की 27 नंबर बेल्ट है। ये देखिए गार्ड, देख रहे हैं आप गौर से, देखिए कितनी बेल्ट घिस गई है। बहुत ही ज़्यादा घिसने की वजह से एकदम लोड नहीं ले रही है मशीन हमारी। ये देखिए पास से आपको गार्ड और दिखला दे रहे हैं। देखिए गार्ड कितनी घिस गई है, काफ़ी ज़्यादा ही घिस गई है। खाली वॉशिंग मशीन बढ़िया चल रहा है लेकिन कपड़ा डालने पर घूम ही नहीं रहा है। तो एक नई हम बेल्ट ले लिए हैं। ये देखिए, वर्लपूल की 27 नंबर बेल्ट थी, तो हमने एक नई बेल्ट ले ली है। ये देखिए, तो आइए हम बेल्ट चेंज करके देख लेते हैं एक बार। लेकिन कैपेसिटर हमारा ठीक है, बेल्ट ही से दिक्कत है, लेकिन एक बार फिर हम चेक करेंगे बेल्ट लगाने के बाद। ये हमारी बेल्ट चढ़ गई। देखिए ज़्यादा गैप भी नहीं बता रही है। देखिए देखिए पहले वाली कितनी ज़्यादा दब रही थी, ये देखिए एकदम ठीक हमारी हो रही है। तो आइए हम चलाकर फिर से एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ये हमने ऑन कर दिया। देखिए अब ठीक हो गया हमारा। ये देखिए, तो हमारा कैपेसिटर वीक नहीं था, इसकी बेल्ट ही ख़राब थी, तो बेल्ट हमने बदल दी है। तो हमारा वॉशिंग मशीन बिल्कुल ओके हो गया है।